नमस्ते, मैं डॉक्टर कीर्ति गुजरकर, एसोसिएट प्रोफेसर, दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच, 23-24 एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज मैं आपके समक्ष एनेस्थीसिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे प्री एनेस्थीसिया चेकअप कहते हैं, उसके बारे में बताने आई हूँ। प्री एनेस्थीसिया चेकअप, जैसे बताते हैं नाम, एनेस्थीसिया से पहले चेकअप जो किया जाता है उसे प्री एनेस्थीसिया चेकअप कहते हैं। यह चेकअप छोटी से छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, उसके पहले करना चाहिए। इसमें हम पेशेंट से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, जिससे हम पेशेंट के लिए एक सेफ एनेस्थीसिया, एक कॉम्प्लिकेशन फ्री एनेस्थीसिया प्लान कर सकते हैं। इस प्री एनेस्थीसिया चेकअप में हम पेशेंट को जो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायरॉयड या जो डायग्नोज नहीं हुई हैं बीमारियाँ, उसके बारे में तपास करते हैं। जो पेशेंट्स काफ़ी बार मेडिकेशंस लेते हैं उसके डोजेस उसको चेक करते हैं, और काफ़ी टाइम अगर ब्लड थिनर्स वगैरह होते हैं उन्हें रुकाना पड़ता है ऑपरेशन के पहले, उसका एडवाइस करते हैं। हम इस सवाल जवाब में यह भी पूछते हैं कि ऑपरेशन कोई पहले हुआ है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ है तो उसको नोट करके हम हमारा एनेस्थीसिया प्लान करते हैं। इवन पेशेंट्स को कोई ब्लड चढ़ाया है, कभी एलर्जीज है किसी दवाई से, ताकि हम वो ड्रग्स अवॉइड कर सके, यह भी उस चेकअप में पूछा जाता है। और काफ़ी टाइम ये एनेस्थीसिया चेकअप, प्री एनेस्थीसिया चेकअप में हम ऐसे एडवाइसेस पेशेंट्स को देते हैं जो ऑपरेशन के पहले हमको पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है। जैसे पेशेंट को निल बाय माउथ 6 घंटा पहले, ऑपरेशन के पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता, यह हमको पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है। हम पेशेंट से एक बार मिलके उनको पूरी प्रोसीजर एनेस्थीसिया की अगर समझाते हैं तो इससे पेशेंट का एंजाइटी लेवल भी कम होता है, और पेशेंट के लिए एक सेफ एनेस्थीसिया प्लान करने में हमारे लिए भी मदद होती है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम हमारी एक आइटनरी बना के जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, टायर में हवा है या नहीं, ताकि हमारी जो जर्नी है एक वो सेफ़ हो। बस उसी ठीक उसी तरह ये प्री एनेस्थीसिया चेकअप एक चेकअप होता है, जिससे हमारे ऑपरेशन के दौरान की एनेस्थीसिया की जर्नी एक सेफ हो। तो आइए हम प्रण करें कि हर सर्जरी के पहले, हर एनेस्थीसिया के पहले अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिले और प्री एनेस्थीसिया चेकअप अपना ज़रूर करवाए, ताकि हमें भी आइडिया हो कि हमारे सर्जरी के लिए, कि हमारी बॉडी के लिए कितना रिस्क है और हम उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू।